नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाय, हाय दिलीप भाई। आज भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है और ये का सुंदर मार्गदर्शन है। ये कारण है कि मैं आज शराब नहीं पिया अभी तक, और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़े सुंदर व्यक्तिगत अनुभव सुनने को मिले। अभी जितने भी हुए, मैं खुद को एनालिसिस कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था और आइडेंटिफाई कर रहा था कि ये जितनी भी लाइफ कैलेमिटीज है, जिंदगी की आपाधापी, ये मेरे साथ हो चुकी है। बल्कि ये बोलूंगा कि जैसे कि चेयरमैन साहब ने जो सब्जेक्ट आज का रखा है, इंसेनिटी एंड डेथ, पूरी तरह पागलपन। ये पहले सुनता था, और डेथ के कगार पर पहुंचना और फिर रिकवरी में प्रोसेसिंग लाइफस्टाइल को चलना, इट्स वेरी टिपिकल फॉर मी। बहुत बड़ा कठिन मामला था कि सही में ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन अभी एक मीटिंग में गया था नागपुर में। मैं नागपुर इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग बाहर के भी है। एक बर्थडे चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने एक शब्द बोला था वहाँ पे, मुझे शेयरिंग मिला था रिकवरी के ऊपर कि भाई अल्कोहलिक एनोनिमस में वो मादा है, एक पागल आदमी को जिंदा कर देता है जिसके 12 कदम। तो सेम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है मेरे सेकंड कदम से रिलेटेड है। केम टू बिलीव दैट द पावर इज ग्रेटर देन अवर सेल्फ कुड रिस्टोर अवर सैनिटी। दो टाइप में ये बटा हुआ है सेकंड कदम। मैं अभी आगे में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं मेरा एल्कोहलिज्म बताना चाहूंगा। बड़ी सुंदर शुरुआत मेरी जिंदगी की हुई थी, और समय भी काफी लंबा दिख रहा है यहाँ पे, प्रयास करूंगा। बड़ा सुंदर मेरी लाइफस्टाइल थी, मतलब पढ़ाई लिखाई, परिवार अच्छा, पिताजी पीते थे, दोनों भाई पीते थे, मैं जवानी तक नहीं पिया। अपनी पढ़ाई लिखाई और एक थोड़ा सा आध्यात्मिक और धार्मिक प्रोग्राम में पढ़ाई के साथ साथ में चलते रहा। 2003 में शादी हो गई, 2004 में काम के सिलसिले में नागपुर के बाहर जाना पड़ा, वहां कभी कभार पीना चालू हो गया। वो कभी कभार पीना मेरी पूरी जिंदगी नेस्तनाबूत होंगी या मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद होंगी, जिसमें मेरा परिवार चला जाएगा, जिसमें मेरे को मेरा सोशल बायकॉट होगा, और मैं अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर, मान्यता प्राप्त पागल बनूंगा। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, उसने मुझे ये स्टेटमेंट किया, मैं पागल बनने के लिए शराब नहीं पिया था, लेकिन ये बीमारी कनिंग एंड बैफलिंग आप लोगों ने बताया है। बड़ी सुंदर जर्नी थी मेरी जिंदगी की। एक देहात से आया मैं नागपुर में, नागपुर में अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अच्छी मिसेस मिली, दो बच्चे हो गए छोटे छोटे बड़े सुंदर, और उसके बाद में ऐसी खतरनाक जर्नी चालू हो गई कि यहाँ जो मैं सुनता हूँ, मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और नैतिकता का अधपतन, ये मुझे कहीं बाहर किसी ने बताया नहीं, कोई किताब में नहीं लिखा था और ना ही कोई डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या कोई और किसी के पास में जाता था, उन्होंने बताया नहीं था। एक शराब का ऐसा झंझावात चालू हो गया, आखिरी का पड़ाव ऐसा गया कि मैं और मेरी शराब, जस्ट आई वॉन्ट टू ड्रिंक, अदरवाइज आई कांट ड्रिंक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, औरत नहीं चाहिए, कामधंधी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल और केवल और केवल शराब। फिर टाइमिंग अलग अलग होते गए, शाम का टाइमिंग दोपहर में आ गया, दोपहर का टाइमिंग मॉर्निंग में आ गया, सुबह आ गया, और सुबह का टाइमिंग फिर सीधा 3 बजे और 2:30 बजे रात को। ये पागलपन की हद मैंने क्रॉस कर लिया था, और ये सारे चीजें मेरे से हो रही थी, पर डिसीज ऑफ डिनायल और डिल्यूजन, पूरी तरह नकारात्मकता, निगेटिविटी और भ्रमित मानसिकता, डिल्यूजन मेरे अंदर में कूट कूट के भरा था। और सबसे खतरनाक, इगोइस्टिक, बहुत अहंकारी आदमी था मैं। किसी को बाज नहीं आने वाला, किसी के बाप
को मानने वाला नहीं था, एक मेरा नेचर बन गया था, मेरा काम धंधा भी वैसा था, सेल्फ विल रन राइट, मैं बोलूं सो कायदा, मेरे आगे किसकी नहीं चलेंगी। समझा रहे लोग, दिलीप शराब नहीं पीते हो तो बड़े अच्छे हो तुम, लेकिन शराब के बाद पीने के बाद में एक शैतान बन जाते हो, देखते नहीं कि बच्चे कितने छोटे हैं, उनको भी पीटते हो छोटे छोटे कारण पर। कोई कारण नहीं, मुझे मुझे कारण की जरूरत नहीं, मेरे मन में भाया और मैंने कुत्ता खाया, मेरे मन को भाया और मैंने कुत्ता खाया, ये धारणा, ये मानसिकता इस टाइप की बन चुकी थी, मतलब मेंटली स्लेव हो गया था मैं, मानसिक गुलाम हो गया था, पर मैं मान नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, कोई समझा रहे थे उसको ही ज्ञान पिलाता था मैं। उसके बाद में मेरे घर के लोगों को दिखने लगा, मेरे स्वभाव में, मेरे वागणूक में, मेरे नेचर में, मेरे बिहेवियर में, ये आदमी में बदलाव दिख रहा है, इसके वागणूक में बदलाव दिख रहा है, पर मैं नहीं मान रहा हूँ। नागपुर के उमरे रोड पे आस्था हॉस्पिटल है, वहाँ के साइकेट्रिस्ट और डायरेक्टर पवन, उनके पास में मुझे लॉकअप में रखा गया। वहां मुझे क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से जब निकला तब मेरी मिसेज बोल रही थी कुछ दिन के बाद में, तुमको इलेक्ट्रिकल शॉक भी दिए थे बोले, मुझे नहीं मालूम बोला, क्या ये पागलपन नहीं था? वो बता रही मेरी मिसेज, मैं खड़ी थी बोले खिड़की से देख रही थी, मेरे से देखना नहीं हो रहा था जो तुमको इलेक्ट्रिकल के शॉक दे रहे थे नागपुर के आस्था हॉस्पिटल में, क्या ये पागलपन नहीं था? दिस इज ऑफ डिनाइल और डिलूजन पूरी तरह। कुछ दिन के बाद में मेरी मिसेज ने बताया मेरे को, बोले तो वहां पे शाक दिए जा रहे थे लेकिन मेरे से देखना नहीं हो रहा था तो मैं निकल जाती थी। ये भी नहीं मालूम कि मेरे को डॉक्टर्स के साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में लॉकअप में कितने दिन रखा, फिर वहां से सीधा मुझे पर्याप्त सेंटर में डाला गया। पहले हफ्ता दो हफ्ते तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, वहां पे भी केवल नींद की दवाई मिलती थी और खाना मिलता था और सोना। एक 10-15-20 दिन के बाद में थोड़ी चेतना आई और उसके बाद में सीधा 100 दिन हो गए थे। 100 दिन के बाद में मेरा भाई और मेरे भाई के कोई दोस्त मुझे वहां से लाए, लाने के बाद में मुझे बोला गया था कि एक ही मीटिंग करो, तुम्हारी एरिया में जहां पर भी होगी वहां मीटिंग करो और 90 दिन करो, बाद में सारी चीजें खुली है, मतलब दारू के ठेके चालू है, शराब की दुकानें चालू है, बियर बार चालू है, वाइन शॉप चालू है, सब चालू है, वो बंद नहीं होने वाले। अल्कोहलिक कैंस का प्रोग्राम सरकार को दारूबंदी करने का प्रोग्राम नहीं है। बड़े मुश्किल से मैं दिखाने के लिए मेरी मिसेस को गाड़ी पे बिठाता था, बोला तू बैठ चल, मेरे को दारू छोड़ने के लिए फलाने फलाने अल्कोहलिक कैंस के मीटिंग में जाना है। दिखावा किया मैंने डेढ़ महीना, डेढ़ महीने के बाद में ये समझ में आया कि अभी मुझे बीमारी भी समझ गई और रिकवरी भी समझ गई, वन डे एट ए टाइम हाउ हाल्ट, अभी मुझे मीटिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा एक ग्रैंडियोसिटी या ईगो बोल सकता हूँ मैं इसको, ये मेरे अंदर में आ गया। अब बोला काम धंधे भी अच्छे मिल गए महीने भर में और अभी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, करेंगे महीने में दो महीने में एक आधी बार। उसके बाद में मेरा धीरे धीरे मीटिंग के साथ में जाना कम हो गया और आखिरी में ऐसा पड़ाव आ गया, मेरी मीटिंग पूरी बंद हो गई, मतलब किसी के नंबर नहीं, ओल्ड टाइमर के ना कोई स्पॉन्सर किया था मैंने, ना किसी के साथ में मेरा भाईचारा, मैं हट गया। उसके बाद में काम धंधे चल रहे थे, एक 5-6 महीने में दारू से भी दूर था, बड़ा अच्छा वातावरण था घर का, पागलपन की हद। मेरी मिसेज बोलती है कि आज कुछ लाओ बोले नॉनवेज वगैरह,
एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया था 5-6 महीने से, मैं लाया और जहां नहीं जाना चाहिए मुझे मैं वही गया। मेरे पास में एक सिविल का कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे मेरे पास में कुछ मैनेजर का फोन आया, साहब बोले भी काफी दिन हो गए, बोले तुम दारू नहीं पी रहे हो, फिश खाने आ जाओ। मुझे मालूम ही नहीं एक का प्रोग्राम कि ऐसे जगह नहीं जाना जहां आसानी से शराब आए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। या तो मैं समझने की कोशिश नहीं किया या नहीं मैंने माना। मैं गया वहां पे अपनी अक्कल और होशियारी लेके, उसमें से एक दो लोग उनका चल रहा था फिश और ड्रिंक्स, मुझे बोलते कि भाई तो थोड़ा सा ले लो ना, अभी इतने दिन से बंद है, क्या फर्क पड़ता है एक हाफ बियर बांधने से। फर्स्ट ड्रिंक फैटल नहीं सुना था मैंने, पहला ही घूट घातक जो मुझे पागलपन पूरा कर देगा और सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी 2 बार मजबूर कर देगा। इसके लिए मैंने वो हाफ बियर नहीं पिया था, लेकिन ये हो चुका। 12 बजे घर में आया, चिंदी का सांप बनाया, 2 छोटे छोटे बच्चों को मारा, उनको बोला जितने भी कपड़े तेरे मम्मी के निकालो अलमारी से। वो 15 साल हो गए थे मुझे शादी को, तब से कपड़े जो थे उसके अच्छे रखे थे, मैंने सफा सफा काटना चालू कर दिया। एक लड़के को 8 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की को साइड में रखा और सफा सफा काटना चालू कर दिया। विशेष बीच में तो उसको वही औजार निकाल दिया जो काट रहा था। उसी अवस्था में रात के 12-12:30 बजे मेरा परिवार जिस अवस्था में थे, बगैर चप्पल से, जिस अवस्था जो कपड़े पहन के थे उसी अवस्था में, और वहां पे उसके मेरे मिसेस के कपड़े का ढेर लग गया काट के। एक नॉर्मल कोर्स का इंसान ये सारी चीजें या सारी हदें पार कर सकता है। इंसेनिटी एबनॉर्मल वो ही कर सकता है जो मैं हो चुका था, लेकिन मानने रात। उसके बाद में क्या देखना है मंजर जिंदगी का, पूरा रॉक बॉटम और हिट बॉटम मैं यहाँ सुनता हूँ। घर मालक ने भगा दिया, गेट आउट बोले, ऐसे बेहराम आदमी को मैं यहाँ नहीं रख सकता बोले। मेरा खुद का मकान मैंने लिया था ऑर्डनेंस फैक्ट्री के सामने, वो मकान मेरे जाने के पहले मैंने बेच मार दिया था। फिर कहा जाओ, वो भी शराब के लिए पैसे कम हो रहे थे। मैं बोला छोटे 2 बच्चे नीचे से, उनके लिए एक मकान लिया था माडा का, जहाँ नागपुर में आशा ग्रुप है उसके जस्ट बाजू में लिया था मैंने 1000 मीटर पर। घर मालक ने भगा दिया, मिसेस गई, बच्चे गए। फिर रहना का ऐसे ठंडी के दिन रोड पे आ गया मैं, दर बदर जिन लोगों को शराब पिला था उनके चेहरे देखने लगा कि कोई तो भी मुझे 10-20 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, मेरा पौवे का काम हो जाएगा। कोई देने को तैयार नहीं। पागल आदमी के लिए बोले हमारे पास में पैसे नहीं, तू बात नहीं करना बोले पास में नहीं आना। भाई के पास में जाता था तो भाई गेट बंद करता था, पागल इंसान की जरूरत नहीं बोले मेरे घर में, गेट आउट बोले। बहन के घर में बैरंग वापस, मेरे सक्के भांजे ने रात के 2 बजे मुझे भगा दिया, जिसको इंजीनियरिंग करने के लिए जो फील्ड मुझे चाहिए थी उस फील्ड में उसको अच्छा मोटिवेट किया, आज जापान में वो आदमी ने मुझे भगा दिया था। ये मेरी वास्तविकता है। मतलब चारों तरफ देखता हूं तो घना कोहरा अंधेरा, पूरी मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल सब खत्म काम, परिवार में कोई इज्जत नहीं, समाज में इज्जत नहीं, सोशल बायकॉट, रहने के लिए जगह नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, ये अवस्था हो गई थी। पर मानने को तैयार रहना का फुटपाथ पे, और बाद में मुझे लगा कि साला जहाँ पे लोगों को जला दिया जाता है, बर्निंग घाट नागपुर में बहुत है, अपने एरिया में भी बहुत है, जब तक जिंदा है तब तक वहां निकाला जाए समय, घाटों में टाइम पास करने लगा। सब कुछ तबाह, अस्तित्व मट्टी फैलित, करना क्या है। 6-7 महीने निकले ऐसे घाटों में,
नहाना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। फिर ऐसे लगने लगा कि अभी जिंदा रहने में क्या मतलब है, खोने के लिए मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है, तो जिंदा रह के भी करना क्या है, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं रहा है, और नाम भी डैमेज। एक जमाना था कि नाम था, लेकिन वो सब डिफेम हो गया था, बदनाम हो गया था। मैं यानी ऐसी खतरनाक पर्सनल कैलेमिटीज और नेचुरल कैलेमिटीज ने मुझे घेर लिया था, और मानने को तैयार नहीं। मैं 20 जनवरी 2017 एक दिन निकला मेरी जिंदगी में, उसके 8 दिन पहले कंप्लीटली सुसाइड के थॉट्स, मेंटली डिसऑर्डर पूरा। अभी खत्म मामला, अभी बचना क्यों बचना, और बचा क्या है, सब कुछ जल गया, तबाह हो गया, मिट गया, और दूर दूर तक कोई अपेक्षा नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, एम्बिशंस नहीं कि मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा। पैदल चलना मुश्किल होता था, अगर एक स्टेयर केस पकड़ना है, एक मंजिला भी चढ़ना है तो मुझे सहारा लेना पड़ता था। ऐसी नौबत आ गई थी 20 जनवरी 2017 को। ऐसा एक सोच बनी, अभी आई कमिट टू सुसाइड, अभी जिंदा नहीं रहना यार। अभी बहुत आदमी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इल्यूजन, पूरा पागलपन, दूसरा कुछ नहीं, अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरा एक समाज में नाम था, स्टेटस था, लेवल था, मेरा एक असेट्स था, ये सब कुछ नहीं, एकदम 100% ऐसा पागल के समान, पैर में चप्पल नहीं, ठंडी के दिन कहाँ घूम रहा हूँ मैं, किधर घूम रहा हूँ, ये ऐसी जर्नी चल रही थी। ऐसा एकदम कहीं 2 बजे निकल रहा हूँ, कभी 1 बजे निकल रहा हूँ, रहना रहने के लिए घर तो है ही नहीं, कोई नहीं, बुला भी नहीं सकता पागल आदमी को। ऐसे क्रिटिकल और ऐसे टिपिकल और ऐसे क्रुशियल सरकमस्टेंसेस से, परिस्थितियों से मैं निकल रहा था। 20 जनवरी को प्लानिंग किया कि अभी कुछ मतलब नहीं रहा है, क्या बच्चा ही नहीं, क्योंकि जाते समय मिसेस ने बोल दिया था, 4 जगह के बंगले के भांडे बर्तन साफ करूंगी, कपड़े धोऊंगी, पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, ऐसा उसका कमिटमेंट था। और मुझे बोल दिया था, आई वॉन्ट टू डाइवर्स, मुझे डाइवर्स चाहिए, तुमको एक बार नहीं 1000 बार बोला गया है, पर तुम अभी हमारी भी अबरू जो है जी, उसकी जी इज्जत है, मैं वो भी दाव पे लगा रहा हूँ, कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, कुछ भी चिंदी का सांप बनाकर उसकी 25 साड़ियां 25 सलवार सूट एक नॉर्मल इंसान नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, अब नॉर्मल ही आदमी काट सकता, या तो इनसेन आदमी काट सकता, पागल आदमी ये सारी चीज करतूत कर सकता है, जो मैंने किया। गया भाई के पास में सुबह 7 बजे 20 जनवरी, भाई बोलता है गेट आउट, पागल आदमी के लिए मेरे घर में जगह नहीं, गेट मत खोल। जस्ट मैं यूटर्न लिया और एक इंसान मिला, और वो इनका मेंबर था, 1 साल हो गया था उसको। मुझे बोलता है वो, दिलीप बोले मैं तेरे को 15 साल से जानता हूँ, बोले अपन दोनों एक ही बस्ती में है, बोले एक जमाना था बोले तेरा कि तू फलाना फलाना जगह का कॉन्ट्रैक्टर, और तेरा ये लेवल, ये स्टेटस, मैंने तुझे देखा हूँ, क्या कितने दिन से नहाया नहीं, खाना नहीं खाया, शेविंग नहीं, दाढ़ी नहीं, दारू छोड़ने की इच्छा है क्या, बोलता वो। मैंने बोला फालतू बात मत कर मेरे से, सारी चीजें हो गई है, अभी कौन सा बचा है, आवा बावा गंडा ताबी नींबू नारियल ये सब हो चुका है, डॉक्टर्स हो चुके हैं, साइकेट्रिस्ट हो चुके हैं, साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में रह चुका हूँ, पागल आदमी हूँ, और रिहाब सेंटर भी रहा हूँ, और तुम्हारी दारू छोड़ने की मीटिंग में भी गया हूँ, अब तू ऐसी कौन सी नई जगह है, प्राइसलेस गिफ्ट, ऐसा कौन सा खजीना लगा है तेरे हाथ में, जा तू मुझे लेके जाने वाला है। अरे चल बोले, नागपुर में एक मदर ग्रुप है पायनियर, उसका 2 दिन का प्रोग्राम है, बोले चल, बोले 200-250 रुपये फी है, बोले
बोला 6-8 महीने से मेरे पास में 1 रुपया नहीं है, और तू 200-250 रुपये की बात कर रहा है। तू ये मुझे को दे दे बाबा 200-250, मैं देखता हूँ दूसरे काम करूंगा मैं 200-250 में। दोस्तों उसने बोला तू चल तो सही, बोले बाद में वापस भी आ सकता है। बोले मैं गया, पहले दिन कौन शेरर था मुझे नहीं मालूम, क्या सब्जेक्ट थे कुछ भी नहीं मालूम, पूरा बॉडी से पानी निकल रहा था। वो 20 जनवरी का दिन मेरे को आज याद है, क्योंकि कल की 20 तारीख गई है और आने वाले 2 महीने में 5 साल पूरे हो सकते हैं मुझे शराब की दूरी से। कब का पता, शरीर बॉडी से पूरा पानी निकल रहा है जैसा कोई मई महीना जून महीना लग गया हो। पागलपन, क्रेविंग्स, विड्रॉल्स, मच्छी को जैसे पानी से बाहर निकाला जाता है वैसा तड़प रहा हूं मैं। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन खतरनाक क्रेविंग्स और विड्रॉल्स, मरता क्या नहीं करता, ऐसी अवस्था हो गई थी मेरी। दूसरे दिन मटन का खाना था, एक निवाला डालता हूं तो बाहर आ रहा है, दूसरा जाने का कोई चांसेस नहीं। कितने दिन सालों की शराब, 18-20 सालों की शराब, नहाना नहीं धोना नहीं, ऐसी अवस्था से मुझे वहां पे एक बोला गया कि तुम आते रहो, हमारा अच्छा हो गया आपका भी अच्छा हो गया, हो जाएगा। मतलब बच्चा ही कुछ नहीं तो अच्छा होने का मामला है क्या है? रहा साथियों 2 दिन वहां पे, निकाला कैसे तो भी। फिर एक बोलता है कि अभी जाओगे कहा, मैंने मजाक में बोल दिया मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। एक मेंबर बोले यार मेरे घर में चलो, तेजी से बोले खाली, वहां मर्जी कुछ दिन निकाल सकते। दोस्तों 22 जनवरी को उसके घर में आया, 21 जनवरी को रात को, और निकाला कुछ दिन, बड़ा बहुत खतरनाक मंजर, बहुत ही खतरनाक मंजर था वो जनवरी महीने का, लेकिन निकले। 8 दिन के बाद में मेरे आई का देहांत, 28 तारीख को मेरी मम्मी का देहांत हो गया। हो सकता था उस दिन मेरे हाथ में शराब आ सकती थी, लेकिन एक मेंबर ने मेरे को कस के जकड़ के रखा था, उसको मालूम पड़ गया था कि इसकी माँ मर गई है, इसको छोड़ना नहीं है, ओल्ड टाइमर बहुत होशियार होते हैं, अगर इधर उधर हो गया तो दारू पिएगा। उसने मेरे को दिन भर साथ में रखा, उसके बाद में भी मीटिंग तलाब की चालू हो गई। तभी भैया ने बोला कि 91 दिन हो गए उनको, मैं 3 महीने में 90 मीटिंग की जगह मेरे को 250-255 मीटिंग है। बड़ा अच्छा लगने लगा, खाने को नहीं सोने को नहीं जगह, लेकिन फेलोशिप में मुझे अच्छा लगने लगा। जैसा भी है, यहाँ आशीष भाई जुड़े हैं नागपुर से, उन्होंने मेरा देखा था मंजर, नीचे डालने के लिए कोई ऐसे कोई बेडशीट या कोई कुछ नहीं था, वो आया था देख के चला, देखा क्या दीदी बोले तो ऐसी जगह रहता है, बोला हाँ भाई। उसने मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंथ और होप दिया, ये भी दिन निकल जाएंगे। एक पागल इंसान सही में आज मेरी भूलने की लायक जो पैदा हुई है, केवल और केवल आपके अनुभव से। दोस्तों ये जर्नी चलते गई, 7-8 महीने हो गए, मिसेस मिलने आई, तालाब में मीटिंग करता था, दोपहर में आके मुझे मिली, मुझे लगा पैचअप हो गया, भगवान था तेरा तेरा लाख लाख शुक्र है, ग्रेस ऑफ गॉड। अरे नहीं गई फिर, और उसने टाइम लिया 4-5 महीने का, मीटिंग कर रहा था मैं अभी, विजय भाई ने बताया हम लोग इधर कितने भी साल आएंगे अगर हमने बदलाव नहीं है तो फिर हमारा आने का मतलब क्या है, कोई हरकत है वो रोई ये रे चाड़े। अभिप्रेत क्या है अल्कोहलिक पेरेंट्स को, ये प्रोग्राम के गहराई में धीरे धीरे आप लोगों को सुनते रहने से, स्पॉन्सर 3 महीने के बाद में करते रहने से, टाइम स्टॉप धीरे धीरे इस बीमारी को समझने लगा और आइडेंटिफाइड किया कि यस अभी मैंने मेरी अक्कल और हुशियारी नहीं लगाना चाहिए, जस्ट आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड एंड आई डोंट वॉन्ट रिएक्ट, मुझे कोई भी रिएक्ट नहीं करना है अभी, जस्ट मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैंने बहुत रिएक्ट किया 18-20 साल, क्या मिला, पागलपन, बर्बादी और तबाही, और रिएक्ट ही करते रहा। और प्रोग्राम मुझे समझाता है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जैसा भी है परिस्थिति कुछ भी रहे, परिस्थिति तो काफी क्रुशियल थी, खतरनाक थी, काफी टिपिकल थी। उसके बाद मिसेस मिलने आई 8 महीने के बाद में, लेकिन वो आई नहीं, पैचअप नहीं हुआ, इसका कारण ये था। मैंने मेरे गुरु को पूछा,
और जो ओल्ड टाइमर के साथ में रहता था यार, बोला मेरी मिसेज तो साला कभी 4 दिन नहीं रहने वाली, वो आके मिलके गई और बोला मना कर दिया अभी नहीं आना है मुझे, आइडेंटिफाइड हो गया। वही घमंड, वही गुस्सा, वही डिजायर, ग्रीडी, वही ईगो, सारे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर मेरे अंदर में जो ए बताती है वो पूरे, बल्कि ज्यादा, कम नहीं, कोई मात्रा कम नहीं। मतलब ये समझ में आ रहा था ये दारू छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। बिल साहब लिखते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, केवल और केवल शराब छोड़ने का या शराब से दूरी का प्रोग्राम नहीं है। 90 दिन तुम रिगरस ऑनेस्टी के साथ में इस प्रोग्राम को फॉलो करते हो तो ऐसे ही तुम्हारी दारू यहाँ आने के बाद में 1 दिन के आधार पर दूर होती है, बशर्ते रिगरस ऑनेस्टी की बात करता है। मेरी ऑनेस्टी क्या थी? बच्चे के चेहरे पे हाथ रखना, सर पे हाथ रखना, औरत के सर पे हाथ रखना, भगवान के सर पे हाथ रखना, और कसम खा रहा हूं कि कल से नहीं पीऊंगा, आज गलत हो गया। और दूसरे दिन कहा है ऑनेस्टी? यह ड्रामे वाली ऑनेस्टी की बात नहीं करता अल्कोहलिक एनोनिमस। बहुत नाटकबाज आदमी था मैं, बहुत नाटकबाज, बहुत पागलपन, बहुत अति अति अतिरेक पागलपन में मैं घुस चुका था। नहीं आ रही, इसका मतलब यह कि मेरे गुरु बोलते थे तुम्हें कोई बदलाव नहीं हुआ, बोले 5-7 महीने में कुछ बदलाव नहीं हुआ, और इधर आने के बाद में मालूम पड़ा कि प्रोग्राम शराब से दूरी का नहीं है, तो अभिप्रेत क्या है? और गहराई में थोड़ा स्टेप पर करने लगा, स्पॉन्सर की मदद लेने लगा, कुछ ओल्ड टाइमर की मदद लेने लगा, और पहले कदम जैसे मेरी शराब से दूरी का है, जिसमें मैं अपनी हतबलता कबूल करता हूँ, विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस, उसके बाद में मेरा दूसरा कदम मुझे खड़ा करता है जो मेरे से 100% रिलेटेड है, इंसैनिटी की बात करता है, रिस्टोर और इंसैनिटी। फिर से सद सद विवेक बुद्धि या मेरी चेतना है जो मेरी मर चुकी है शराब के मामले में, शराब ने मार दिया, इसलिए बोला गया कि केम टू बिलीव दैट द पावर इज ग्रेटर देन अवर सेल्फ कुड रिस्टोर अवर सैनिटी। मैंने मान लिया कि मेरे से कोई ज्यादा शक्ति मुझे फिर से होश में ला सकती है। दो अलग अलग लाइन है, हमारे नागपुर के ओल्ड टाइमर बोलते हैं जीवन भी, दो कदम लेने के बाद में तुम्हारी दारू दूर हो जाती, बोले। लेकिन मेरी मिसेज बोलती थी, बोले क्योंकि ये प्रोग्राम दूसरे को सुनना है और अपने अनुभव बताना है, मैं दूसरे के सुनकर अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में अप्लीकेबल करता हूँ तो मुझे फायदा होता है, इसलिए मैं जीवन भाई का उदाहरण दे रहा हूँ। रेफरेंस बिग बुक में, हमारे लिटरेचर में बहुत सारे आते हैं। 3 साल हो गए, बोले जीवन भाई मेरी मिसेज बोल रही कि भाई पहले भी वैसे थे और अभी भी वैसे थे। ये बात अंडरस्टूड करने वाली, बड़ी एनालिसिस करने वाली थी मेरे को। बोला ऐसा कैसा? बोला इन्होंने कि 3 साल हो गए शराब से दूरी हो गई, लेकिन 3 साल में कोई बदलाव ही नहीं, पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे हैं। जीवन भाई का नाम महाराष्ट्र में, विदर्भ में है, पूरे इंडिया में है, ये आदमी ने ऐसा क्यों बोला? तब मुझे मालूम पड़ा कि ये प्रोग्राम शराब से दूरी का नहीं है, इसलिए बिल साहब ने लिटरेचर में लिखा कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, केवल और केवल शराब से दूरी का यह प्रोग्राम नहीं है। धीरे धीरे मेरा पागलपन ठिकाने में आने लगा। मैं जिस डॉक्टर की मेडिसिन खाता था, अभी 4.5 साल कंप्लीट होते गए, 4.5 साल से अभी बंद है, मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, साइकेट्रिक की मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, अभी 4.5 साल हो गए, लेकिन पहले ए में आने के पहले खाता था। हर 3 महीने में मेरी मिसेज जाती थी और वहां से मेडिसिन लाती थी, बोले डॉक्टर ने बताया, बोले तुमको इतने दिन खाना पड़ेगा, उतने महीने खाना पड़ेगा। आज 4.5 साल से मेडिसिन बंद है, अच्छी नींद आती है, तो ज्यादातर नींद का मामला था मेरा। इंसैनिटी, रिस्टोर और इंसैनिटी बोलता है वो सेकंड कदम, ये कदम ने मुझे जिंदा कर दिया। मैं खुद होके शराब से दूरी पा नहीं सकता, या कोई सिंगल मानवीय ताकत
मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। अल्कोहलिक है उसका प्रोग्राम आध्यात्मिक है, ये प्रोग्राम ही मुझे शराब से दूर कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ने लगा, अलग अलग लिटरेचर पढ़ने लगा कि साला मैं एक तो क्रिएटिव था, एक रचनात्मकता थी मेरे अंदर में, एक पढ़ा लिखा इंसान था मैं, पागल की हद कैसे क्रॉस कर दिया मैंने और अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर हो गया। रचनात्मकता, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था मैं, सातवीं क्लास में चिमूर तालुका से फर्स्ट नंबर आया था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मेरा दसवीं अच्छा था, उसके बाद में बारहवीं अच्छी थी, मैं शॉर्ट हैंड में मास्टर हूँ, 120 की स्पीड है मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, क्या मैं पागल पागल इंसान हूँ। उसके आगे भी मेरी एकेडमिक पढ़ाई हुई, बड़ी अच्छी पढ़ाई हुई मेरी, काम धंधे भी अच्छे मिले, क्या पागल होने के लिए मैंने शराब पिया था? नहीं। लेकिन दोस्तों शराब में वो पावर है, वो पागल कर देती है। अभी तीन चीजें एक भाई ने बताया, जब ये जर्नी अगर मेरी ऐसी चलती रहेंगी तो पागलपन जेल और अननेचुरल डेथ, समय से पहले मरना। तो मैं तो जेल में भी गया और पागलपन पूरा घोषित डॉक्टर से, और दो अटेम्प्ट मरने की, फिर तीसरी अटेम्प्ट के लिए भाई के पास में गया और मेंबर मिला, ये ग्रेस ऑफ गॉड है, शायद वो नहीं मिलता तो मैं कहाँ जाता, मुझे भी नहीं मालूम, मेरा कमिटेड, मेरा कमिटमेंट पक्का होता था। ये प्रोग्राम में वो मादा है, बशर से धीरे धीरे फिर मेरी जर्नी आगे बढ़ी कि मध्यपाश्य निर्मित मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति का सुधार का प्रोग्राम नहीं है, तो मध्यपाश्य निर्मित मेरी बिगड़ी हुई मानसिकता का सुधार है। ये बात सेकंड कदम में समझ में आई जब प्रैक्टिस करने लगा और मैंने मेरा पूरा एक्सरे दिखकर दिखने लगा मुझे कि सारे मेरे व्यवहार गलत हो रहे, मेरे एटीट्यूड में चेंज आ गया, मेरे बिहेवियर में चेंज आ गया, मेरे नेचर में चेंज आ गया, मेरे बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया, मेरे हर पार्ट में चेंज आ गया, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। ये कितनी खतरनाक कैलेमिटीज, ये मेरी व्यक्तिगत कैलेमिटीज, पर्सनल कैलेमिटीज थी मेरी, व्यक्तिगत आपाधापी थी मेरी, ये खुद की विपदा थी, पर मानने को तो आया नहीं। बिल साहब एक जगह लिखते हैं कि नो पर्सनल कैलेमिटीज इज सो क्रशिंग दैट समथिंग ट्रू एंड ग्रेट कैन नॉट बी मेड ऑफ इट। मतलब कोई भी व्यक्तिगत विपदा इतनी विनाशकारी नहीं होती कि उससे कुछ सच्चा या अच्छा न बना जाए या बना सके। ये चीजें धीरे धीरे लिटरेचर में सामने आई, आपके अनुभव से सामने आई कि भाई प्रोग्राम बताना क्या चाहता है। मैं तो इधर केवल शराब की दूरी से मुझे लाया गया था, मैं खुद तो आया ही नहीं, मैं तो पागलपन में था, मेंबर ने लाया, आप लोगों ने फेलोशिप दिया, लेकिन ये मेरी पर्सनल विपदा क्या थी, पर्सनल कैलेमिटीज क्या थी कि मैं पूरी तरह विनाशकारी नहीं, पर मान रहा था मैं कि साला एक अच्छा रचनात्मक मेरी जिंदगी की वाट चल हुई थी और मैं विध्वंसक बन गया, ये क्या पागलपन है, मतलब पागलपन की हद क्रॉस हो चुकी है। क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस, रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विध्वंसक है या तो विद्रोही। सही में मैं ये चीजों में 100% विध्वंसक था मैं। रात के 12-1 बजे औरत के पूरे कपड़े में फाड़ रहा हूँ, साड़ियाँ और ये सलवार सूट उसके अलमारी से निकाल के, क्या मैं विध्वंसक नहीं था? हाँ, पर उसके पैराडॉक्स में मैं अच्छा इंसान भी था, क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर में, रचनात्मकता थी मेरे अंदर में। लोग मुझे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक डाइस पर बुलाते थे, मेरे काम धंधे अच्छे थे, मुझे बुलाया जाता था, एक अच्छा नाम था मेरा, लेकिन ये शराब ने पूरा मट्टी फलित कर दिया है, तो मानने को तैयार नहीं मैं। दोस्तों ये जर्नी फिर आगे बढ़ने लगी, 11 महीने हो गए, मिसेस की रजामंदी आ गई, बोले अभी हम आ सकते हैं आपके पास। तब लड़की 10वीं क्लास में, मैं ये सोचता था कि अभी लड़की, मेरे को भी 1 साल हो गया, लड़की 10वीं में, 3rd क्लास में तो भी निकल जाए, कम से कम 3rd क्लास में निकल जाए, ये अपेक्षा थी मेरी, फेल नहीं होना चाहिए, कि
मेरे हथकंडे और मेरे कर्मकांड ही वैसे थे, एक सहमे सहमे और अपराधी भावना। मेरे को अभी भी याद है वो तारीख, जिस रात को मैंने पागलपन में दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया था, और वो एक मौत का तांडव था उस समय मेरे घर में। लड़की खड़ी राइट साइड में, लड़का खड़ा लेफ्ट साइड में, आलमारी सामने, सपा सप में काटता हूँ। क्या अपराधी भाव नहीं है? क्या मैं अपराधी नहीं हूँ? क्या मैं विध्वंसक नहीं हूँ? लेकिन अपराधी भाव उनमें, और मैं मानने को तैयार नहीं। ये विध्वंस है। इसलिए मैंने बोला कि रचनात्मकता अस्तित्व में ये सबसे बड़ा विध्वंसक है और विद्रोह है, और मैं था। आज ये चौथे कदम पर मैं डिटेक्शन करता हूँ, चौथे कदम पर एनालिसिस करता हूँ मैं। मेरा इन्वेंटरी मुझे हमेशा लेना है मरते दम तक, तब ये समझ में आता है पूरा पिक्चर मेरे जिंदगी का। एक्स्ट्रा सामने आता है कि मैं क्या इंसान, ऐसा इंसान क्यों ऐसा, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों 11 महीने के बाद में फैमिली के साथ में पैचअप हुआ, और मैं बड़ा टेंशन में था कि लड़की अभी 10वीं में कैसा होगा, मुझे 1 साल हो गया है, 3rd क्लास में तो भी आ जाए। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड दोस्तों, रियल लगा दूसरे दिन पूरे पेपर में फोटो। ये कहाँ से मिला? एक पागल इंसान की लड़की 10वीं में, उसके बाद में भी 12वीं में, ये कैसा कैसा प्रोग्राम है? ये चमत्कारिक से कम नहीं है, ये चमत्कारिक प्रोग्राम से कम नहीं है। ये जीना पड़ेगा, ये प्रोग्राम को बताने से नहीं होगा। बिल साहब लिखते बिग बुक में अल्कोहलिक एनस का प्रोग्राम बताने का नहीं है, जीना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। अल्कोहलिक एनस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता का कोई सिद्धांत या कल्पना या परिकल्पना या कोई थ्योरी नहीं हो सकती है। इसको जीना पड़ेगा, जिंदगी में अप्लीकेबल करना पड़ेगा। पहले का डाइस लोगों को ज्ञान पिलाने का था मेरा, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक लोगों को ज्ञान पिलाता था। यह पैराडॉक्स है, यह मुझे उल्टा कर दिया। बेटा तू यहाँ से जो बोलेगा, तेरे को पहले जीना पड़ेगा। पहले खुद सर्टिफाई करता था, अभी मेंबर सर्टिफाई करेंगे, लोग सर्टिफाई करेंगे। तुम खुद सर्टिफाई करने के लायक नहीं बचे हो, ये आप लोगों ने सिखाया। पहले ऐसा नहीं था, लोगों के लिए ज्ञान था। मैं जो भी पी लाता था लोगों के लिए। प्रोग्राम मुझे ये बताना चाहता है कि मुझे थारोली इस प्रोग्राम पर चलना पड़ेगा। अगर मैं आधा अधूरा प्रोग्राम लेता हूँ तो मेरी आगे की लाइफ भी एम है आधी अधूरी रहेंगी। यानी जो जब भी चेयरमैन साहब ने एक चीज बताया कि हैप्पी जायस एंड फियरलेस, इस लाइफ से मैं चुक सकता हूँ। अभी मैंने चौथा बर्थडे मनाया था लास्ट ईयर, मैंने एक बात बोला था कि कल तक मरणासन्न अवस्था में मेरा परिवार, शयन यात्रा में मेरा परिवार, 12 बजे नहीं हमेशा चेहरे पे। आज ये बर्थडे में बोला मैंने कि मेरे घर की दिवाली भी है। आज 12 बजे नहीं है, 2 बार घर के लोगों का फोन आता है, मिसेस का रहे या बच्ची का रहे। पहले ऐसा नहीं, हफ्ता 15 दिन महीना पर कहाँ है, किधर है, किधर पड़ा है, किधर मरा है, कोई लेना देना नहीं। आज ये जो बदलाव है, ये बदलाव मेरा अपना खुद का नहीं है, मेरा अपना खुद का नहीं है, ये सब आप लोगों की देन है। खासतौर पे एक आप प्रोग्राम की देन है। शायद आपको मैं सुना नहीं होता, और आपकी बातें मैंने मेरी जिंदगी में अप्लीकेबल नहीं किया होता, तो शायद मैं ये प्रोग्राम से चुकता था। इसलिए बिल साहब ने बोला है कि द अल्कोहलिक एनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, एक लाइन। दूसरी लाइन में बोलते हैं कि द अल्कोहलिक एनिमस प्रोग्राम सक्सेस, जॉयस, हैप्पी, फियरलेस एंड फ्रिलेंस टू गेट द सोबर, ये प्रोग्राम है। अगर मैं ए में आ रहा हूं और मेरे चेहरे पे और मेरे साथ में मेरे परिवार के चेहरे पे अगर 12 बजे है, तो फिर मेरा इधर में आने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों की शराब दूर है, आज मेरे जावई है, एक दारू नहीं पीते, विल पावर पर दारू बंद है उसकी। फिर इधर तो आध्यात्मिकता की बात करते हैं अल्कोहलिक एनिमस का प्रोग्राम, और आध्यात्मिकता बोलता है कि भाई जीना पड़ेगा। पहले तो आध्यात्मिकता यही नहीं समझती थी कि इतना बड़ा शब्द है स्पिरिचुअलिटी,
खतरनाक शब्द इतना बड़ा, लेकिन आप लोगों ने मेरे को कीप इट सिंपल में बता दिया, एक ही शब्द में बता दिया स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। मेरे वजह से किसी का नुकसान हर्ट, या मेरे वजह से किसी की भावनाएं आहत ना हो जाए, बस कीप इट सिंपल में समझाए। खुद का ऑब्जर्वेशन, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, बस कीप इट सिंपल में बताया आप लोगों ने मेरे को। लेकिन ये जीना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर टाइम टू टाइम उफान मारते हैं, बार 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 बार। ये पौनी साहब 5 साल में मैंने कितने लोगों को आते हुए देखा, कितने लोगों को जाते हुए देखा। बहुत कम जर्नी है मेरी, मेरी लंबी जर्नी नहीं है, पर मैं थोड़ा, जैसे भी चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई सर्विस में भी है, मैं आज विदर्भ में घूमता हूँ, मैं 1 साल से मेरे काम भी थोड़े बाहर है, और फेलोशिप में रहता हूँ, मीटिंग में रहता हूँ। मुझे अभी भी याद नहीं है कि 2 महीने के बाद में मुझे 5 साल होंगे और मेरी कोई एक आधी मीटिंग चुक गई या मिस हो गई। सुबह नहीं मिलेगी तो दोपहर में करना है, दोपहर नहीं मिली तो शाम को करना है, और तीनों नहीं मिली तो पायनियर जिंदाबाद। ऑनलाइन है बहुत सारी मीटिंग है, ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बीमारी में फंसा हूं। अभी मैंने वो बर्थडे में रिकवरी में बोला कि मैं ऐसे बीमारी में फंसा हूं जिसका दुनिया में रासायनिक उपाय नहीं है। देर इज नो केमिकल सोल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। आध्यात्मिक समस्या का रासायनिक उपाय दुनिया में नहीं है। मेरी बीमारी आध्यात्मिक है, उसका दुनिया में उपाय नहीं है रासायनिक। केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम, मीटिंग और 12 कदम, इसी में मेरा उपाय है, बाकी कहीं अन्य जगह नहीं है। ये चीजें मैंने आपसे सीखा, आपसे सुना और सुनते रहता हूं मैं, क्योंकि प्रोग्राम आध्यात्मिक है तो मेरी विलिंगनेस बढ़ाना पड़ेगा, मेरी गहराई को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगने लगा, मैं बहुत इंप्रेस था पायनियर के कुछ लोगों से, जिसमें विजय भाई है, जिसमें बाबू भाई है, जिसमें नरेश भाई है, बाकी और भी है। मैं देखता था इनकी लाइफ स्टाइल, मैं नया नया था, इनकी लाइफ स्टाइल देखता था मैं, और अन्य लोगों को भी देखता था और कंपैरिजन करता था। बोला ये लोग तो बढ़िया अलग ही लाइफ जी रहे बाबा, ऐसा क्या मादा इस प्रोग्राम में। सही में मादा है, एक मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनएस के प्रोग्राम में, अपितु इसके 12 कदम में। ये एनालिसिस और डिटेक्शन और ऑब्जर्वेशन करने का मामला आप लोगों ने समझाया, इसको जीना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। मैं यहां से कितना भी बखान करूं, ना मुझे फायदा होगा ना सामने वाले को होगा, क्योंकि वो बोलेगा कल तो बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बाबा ये। मैं कभी कभी बोलता हूँ राजनीतिक लेवल पर तोंडाले फेस से ही पर्यंत, ऐसा बोलता था मैं राजनीति में पर। लेकिन सोचते हैं प्रोग्राम मुझे कोई नया इन्वेंशन, या मुझे कोई नया रिसर्च, या मुझे नई कोई थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पहले आए हुए लोगों ने, आप लोगों ने इतना खतरनाक प्रोग्राम दिया है कि ये जीने के लिए भी मेरी जिंदगी कम जाएंगी। इतना खतरनाक प्रोग्राम आप लोगों ने मेरे सामने रखा, खासतौर पर डॉक्टर बाब बिल डब्ल्यू, डॉक्टर विलियम डी सिल्वर रखा है, डॉक्टर कार्ल जंग, प्रोग्राम जीना पड़ेगा। तो दोस्तों आज देखता हूँ मैं कि आज से 4.5 साल पहले मैं एक पागल किस्म का इंसान, जिसका सब कुछ मिट चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। अब मैं ओल्ड टाइमर को बोलता भी था कभी कभी, मेरा 5वें महीने में दिमाग खराब हो गया था, दारू नहीं पी रहा था मैं, पर दिमाग मेरा घूम गया था कि बोला अरे छोड़ यार, बोला ये तुम्हारा ये का प्रोग्राम वगैरह क्या है साला, औरत नहीं आ रही, बच्चे नहीं आ रहे, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे, ये दिमाग में आया था। तो बोले कहाँ जाओगे, मतलब नेशनल पार्क ताड़ूबा रिबेलियन बनने, आतंकवादी बनूंगा मैं, उधर का छू नहीं, नहीं बोले कुछ दिन और निकालो, बोले ये भी दिन निकल जाएंगे। दोस्तों ये सही में ये फार्मूला बड़ा मुझे अच्छा लगा, ये भी दिन निकल जाएंगे। प्रोग्राम आध्यात्मिक है, मेरी विलिंगनेस क्रिएट करना पड़ेगा। बिल साहब ने लिखा है विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्कोहलिक एनएस के प्रोग्राम में मेरी गहराई से जानने की अगर इच्छा है तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है, सभी आध्यात्मिक विकास का सार है, बशर्ते मेरी विलिंगनेस और मेरी डिजायर, मेरी एम्बिशंस मुझे लगाना पड़ेगा। कोई खास ओझा नहीं दिया आपने मेरे को, कोई बर्डन नहीं दिया आप लोगों ने ना। दोस्तों आखिर का पड़ाव यही है, 1 मिनट में खत्म करूंगा, कि मैं पूरी तरह मिट चुका था,
मेंटल अप्रूव्ड घोषित कर दिया था, पागल हो चुका था। 7 महीने 8 महीने घाटों पे जिंदगी निकाला हूं मैंने और सब कुछ तबाह हो गया था, खासतौर से मेरा अस्तित्व भी खत्म हो गया था, आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस। लेकिन इस अवस्था में इस अल्कोहलिकेंस के प्रोग्राम में वो मादा है, मैंने जैसे पहले बोला कि इस अल्कोहलिकेंस के प्रोग्राम में वो मादा है कि एक मुर्दे में एक पागल इंसान के एक जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिकेंस के प्रोग्राम में इस 12 कदम में। फिर से एक बार मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विजय भाव का खास तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि फिर से मुझे आपने मेरे अनुभव कथन के लिए मौका दिया और मैंने जो मेरे अनुभव थे, जो मेरा कथन था, मनोगत व्यक्त किया, आप लोगों ने शांति से सुना। थैंक यू वेरी मच।